Welcome to my channel. It's Swap Vlog, and today we are shooting our first video. We need your love, your support. Kindly show us your love and support by hitting our subscribe button. So let's start the video. अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम जो shoot करने जा रहे हैं, वो है हमारी एक kind of jewelry, ठीक है? और आप जैसे कि देख रहे हैं कि काफ़ी सारी ज्वेलरी जो है वो हम मेरे सामने रखी, वन बाय वन मैं आपको दिखाती भी जाऊंगी, और उससे रिलेटेड अगर कोई स्टोरी होगी एंड और कुछ भी वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी. होपफुली आपको अच्छा लगेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद दीज बैंगल्स. अच्छा, ये जो हैं ये बहुत पुराने हैं, लाइक एज यू कैन सी बहुत पुराने हैं ये. और इनको शायद मुझे लगता है कि मैंने इनको लिया था बैक 2015-16 में. अभी बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी आएंगी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आप कहेंगे कि यार इतनी पुरानी ज्वेलरी, तो ऐसा ही है. मैं अपनी चीज़ें बहुत संभाल के रखती हूँ, लाइक मैं उनको फेंकती नहीं हूँ. अभी तो बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी हैं जो कि मैंने दे दी हैं, लाइक हमारे यहाँ मतलब आते हैं छोटे से बच्चे, तो उनको मैंने दे दी थी अपनी काफ़ी सारी ज्वेलरी, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी भी हो गई थी और मुझे लगा कि फेंकने से बेहतर है कि किसी को दे दी जाए. और ये स्टील अगर आप ये देखें तो ये बहुत ही प्यारे से, एज यू कैन सी बहुत प्यारे से है ये. और इनको बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं जब हमने सिंपली अगर आप इनको पहने, मज़ीद कुछ और ना पहने, तो ये तो था मेरा बैंगल्स. अच्छा, नाउ मूव टूवर्ड दिस वन. अच्छा, अगर आप ये देखें तो ये भी मैंने लिया था 2017 और 16 में, लाइक ये सब जो है मोस्टली अगर आप देखेंगे तो सारे पुराने ही होंगे. और ये मैंने लिया था अपनी कज़न की शादी के लिए, और इसको पहना शायद मैंने एक ही दफ़ा है, क्योंकि मुझे ऐसा जितना कोई ख़ास पसंद नहीं आया था. आप देख भी रहे हैं इसका जो ये सेंटर वाला नग है, ये गिर चुका है. अच्छा, और इसके जो इयररिंग्स हैं वो हैं ये वाले. ओके, अच्छा मोस्टली अगर आप देखेंगे ना तो मेरे पास ज़्यादातर गोल्ड कलर में या सिल्वर कलर में जो है वो ज्वेलरी है. अच्छा, इसको देखेंगे, ये बहुत प्यारा है और काइंड ऑफ बड़ी एंटीक सी ये ज्वेलरी है. अच्छा, इसका जो इयररिंग है, वेयर इज़ इट्स इयररिंग, आई डोंट नो वो कहाँ है. सो वी हैव जस्ट दिस वन, तो हमारे पास सिर्फ इसका नेकलेस ही. सो ये आपको दिखाने के लिए. अच्छा, नाउ यू कैन सी दैट ये आजकल बड़ा इन हुआ है कि हम दो को मिला के ना बड़ा खूबसूरत सा, ये है बेसिकली दो अलग अलग हैं, बट अगर हमें नहीं करके कंबाइन करके लगाया जाए तो यू कैन सी दैट ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं. एक चोकर सा बन जाएगा ये, आप देखें कितने प्यारे हैं ये. तो ये है, ये बिल्कुल सेपरेट है, एक मेरा है और एक एक्चुअली मेरी सिस्टर का है. तो जब हम दोनों में से कोई एक ही अब पहन लेते हैं इनको यूँ कंबाइन करके गले में. अच्छा, इसके अगर मैं आपको बताऊँ तो ये हैं इसके इयररिंग्स, बहुत प्यारे हैं, सिंपल से हैं, डेलिकेट से. और ये इसकी बिंदी है जो हम में से किसी ने नहीं पहनी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें बिंदी बिल्कुल सूट नहीं करती, तो यह ऐसे टैसे पड़ी हुई है. अच्छा, ये है छोटी वाली, ये छोटी है और एक ये है बड़ी वाली. ओके, ये है इसकी रिंग, इसके साथ की हमने ली थी, और मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है रिंग, मेरी सिस्टर को बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये है उनके लिए. अब देख लें जो कैमरा है वो इसको जूम नहीं कर रहा, बाकी हर चीज़ को जूम कर रहा है. खैर, कर लो भाई जूम. ओके फाइन, ओके नहीं करो नहीं करो. तो अच्छा ये हो गया. अच्छा मैं ये बताऊँ, ये बहुत ही मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि ये मुझे दिए थे मेरी फ्रेंड ने मेरी बर्थडे वाले दिन, और ये मुझे दिए थे उसने बैक 2016 में, मेरी बर्थडे थी तो उसने मुझे ये दिए थे. तो ये स्टिल मेरे पास हैं, आज दो इनके पीछे जो स्टॉपर हैं आप देख लें वो गायब हो चुके हैं एज यूजल हमारे पास जो है ना, लेकिन स्टिल मेरे पास हैं, क्योंकि उसने बहुत ही यू नो दिल से दिए होते हैं. मुझे लगता है गिफ्ट संभाल के रखने चाहिए. बहुत से लोग होते हैं गिफ्ट फेंक देते हैं, तो मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते. मुझे लगता है बेशक ख़राब भी होते हैं, बट
अच्छे लगने चाहिए। अच्छा जी, ये देखिए, ये मैंने लिया था, इसको भी लिए हुए काफ़ी अर्सा ही हो गया, तो उस दिन का नया नया फैशन आया था चमकों का, तो ये स्टिल मेरे पास है और इसको मैं स्टिल पहनती हूँ। इसको मैं दूर से दिखाती हूँ आपको, ये देखें, सो डेलिकेट एंड सो ब्यूटीफुल। एक्चुअली मुझे छन छन की आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है, मैं आपको सच बताऊँ तो। नेक्स्ट वी हैव दिस वन, ये मेरे हार्ट फेवरेट है, लाइक बहुत फेवरेट, बहुत ज़्यादा। और ये मैंने लिए थे गीगा से, और मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये मैंने काफ़ी महंगे लिए थे, और जब मैं घर ही, मैंने वहाँ पे नोटिस ही नहीं किया कि इसके पीछे जो स्टॉपर होता है वो एक था ही नहीं, और एक का था और एक था ही नहीं, और मैंने बड़ी तेज़ी से लिए थे एक्चुअली, मैंने अपनी ऊपर करवा ली थी और वो वेट कर रही थी बाहर, तो वो तकरीबन आ चुकी थी, तो मुझे, मैंने बस जल्दी जल्दी में ले ली, और मैंने नोटिस ही नहीं किया कि एक का स्टॉपर ही नहीं है जब मैं घर आई, और उस वक्त भी मैंने नोटिस नहीं किया, इवन जब मैं इसको पहनने लगी तब मैंने ये चीज़ नोटिस की कि इसका तो स्टॉपर ही नहीं है। फिर खैर मत पूछिए कि मैंने किस तरह कर करा के इसको पहन लिया था, और अभी भी जब मैं इसको पहनती हूँ तो मुझे यही होता है कि गिर जाएगा, बट मैं इसे 3-4 दफ़ा पहन चुकी हूँ, ये गिरा नहीं है। तो इन सब में से जो मोस्ट रिसेंट है मेरे पास ज्वेलरी, वो ये वाले हैं, बिना स्टॉपर वाले। अब ये देखें, आजकल इनका बड़ा फैशन आया हुआ है, तो ये मैंने लिए थे, बड़ी लोकल मार्केट से लिए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कहूँ कि मैंने किसी ब्रांड वगैरह से लिया, नो, सिंपल लोकल मार्केट के हैं ये, और इनको मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं इनको पहन लेती हूँ, बिकॉज लाइट इन वेट हैं एंड यू नो हर किसी के साथ ये चल जाते हैं, सिंपल गोल्ड के। सो बेसिकली आई लव गोल्ड कलर और जो सिल्वर है, मोस्टली आप देखेंगे मेरे पास ज्वेलरी नहीं तो मैं होगी, क्योंकि मुझे अच्छे से, बहुत कम ही ऐसा होता है कि मैं कलरफुल कोई ज्वेलरी लूँ, शायद ली भी है मैंने तो बहुत पुरानी है, अब की नहीं है, तो अब की मेरी सिर्फ यही है। अच्छा, अब अगर मैं आपको ये दिखाऊँ तो ये मेरे पास हैं, अब मुझे ये भी नहीं याद कि ये मैंने लिए कब थे, अब इनके जो हालत है उनसे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितने पुराने हो सकते हैं, लाइक ये देखें, ये 13 मेरा हो गया, तो मुझे लगता है इनको तो अब म्यूज़ियम में रख देना चाहिए, क्योंकि ये इतना पुराना है। और मेरी आदत है कि मतलब मैं चीज़ें नहीं फेंकती हूँ, ना मैं ख़राब करती हूँ अपनी चीज़ें, यू कैन सी दैट कि बहुत पुराना है, लाइक मुझे लगता है आई वॉज इन सेकेंड ईयर, तो ये 2012 की बात है, तो अब आप ख़ुद देख लें कि ये कितना पुराना है, और स्टिल ये मेरे पास है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि मेरी चीज़ें बहुत मतलब ख़राब हों या टूट वगैरह जाएँ, मैं बहुत संभाल के रखती हूँ उन्हें बहुत ज़्यादा। तो ये है जिससे मैंने अपने पास रखा था, और बाकी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें दे दी थी बच्चों को। अच्छा जी, अब ये देखें, ये बड़ा एक डेलिकेट सा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लाइक अगर अपने बाजू में कुछ नहीं पहना हुआ, जो कि मैं नहीं पहनती हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मुझे किसी शादी पे भी जाना है तो मैं बिल्कुल कोई बैंगल्स बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ाती, अक्सर को शौक होता है, अपने अपने शौक की बात है, लेकिन मैं सिर्फ बहुत बस ये पहन लिया, ये मेरा फेवरेट है, इसको पहन लिया, इनसे प्यारा। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास हैं ये ईयरिंग्स, ये मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, ये उसके साथ के ईयरिंग्स हैं जो काइंड ऑफ चोकर है हमारे पास, जैसे मैंने बताया था कि वो एक्चुअली 2 हैं अलग अलग, जिन्हें मैं एक करके पहन लेती हूँ। अच्छा जी, और ये मेरे पास है, ये भी काफ़ी पुराना मेरा एक सेट था, अब इसका आई डोंट नो कि वो कहाँ की है, इसका नेक पीस, तो मेरे पास ये सिर्फ ईयरिंग्स हैं, तो ये देखिए, ये भी काफ़ी पुराने हैं, तो मुझे ये भी नहीं याद, मुझे लगता है लेट मी थिंक, आई थिंक 2017 है, मेरे कज़न की शादी थी उस वक्त नहीं लिए थे, मोस्टली चीज़ें अगर मैं आपको बताऊँ ना, ये मैंने अपने कज़न्स की शादियों पे ही ली हुई हैं, क्योंकि वैसे मैं कभी भी बहुत कम ही होता है कि मैं शॉपिंग करूँ ज्वेलरी की, तो मैं मोस्टली शॉपिंग नहीं करती। ये देख लीजिए, ये बड़ी पुरानी है, और ये मुझे याद भी नहीं है ये कितनी पुरानी है, आप इसके डिज़ाइन से ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी पुरानी है। और दिस इज़ माई हार्ट फेवरेट, पता है क्यों, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने दी थी। मैं ईयरिंग्स लाइक सो रिंग्स मैं बहुत कम पहनती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद बहुत कम आती हैं, और मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मेरे हाथ पे बहुत कम ही अच्छी लगती हैं, तो बट
मेरी फ्रेंड ने दी थी, स्टिल मेरे पास है। अगेन ये फोकस नहीं कर रहा, आई डोंट नो कि जब इसको फोकस करना होता है ये फोकस क्यों नहीं कर रहा। सो आप इसको दूर से देख लीजिएगा क्योंकि अब ये बिल्कुल जो है ना फोकस नहीं कर रहा। अगेन इसका नेक पीस आई डोंट नो कि कहाँ गया है। फोकस, यस गुड बॉय। ओके अगेन इसका नेक पीस मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चला गया, वो भी मेरे पास ही कहीं पड़ा होगा क्योंकि मैं फेंकने वालों में से तो हूँ नहीं और घुमाने वालों में से। तो ये एक मल्टी शेड सा सिंपल सा बड़ा डेलिकेट सा मेरे पास था एक सेट, ये भी मैंने लिया था। ये बैक 2012 की बात है, ये अब की बात नहीं है। ये इसका सेकेंड वन। ओके जी, अच्छा ये मैंने रिसेंट लिए थे, ये दो, ये एक मैंने रिसेंट लिए और ये लैम लाइट का है जो कि घर आने के बाद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया तो, लेकिन है अच्छा। लाइक मुझे लगता है मेरे फेस पे ऐसा जितना अच्छा कोई ख़ास नहीं लगा कि मेरा फेस भी गोल मोल ही है। तो या एक और मैंने इसके साथ लिया था लैम लाइट से, वो ये था, ये मैं पहनती हूँ अक्सर बहुत। ये देखें बहुत डेलिकेट, लाइक बहुत सिंपल सा, लाइट इन वेट, लाइक आप इसको किसी भी उसके साथ पहन सकते हैं, बहुत दिस साउंड। ओके दिस वन इज़ अगेन बहुत पुराना है ये, और रिसेंटली मैं आपको बताऊँ मैंने कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की हुई क्योंकि मेरी कज़न्स की कोई शादी नहीं है, ये आने वाली है तो सून मैं अपने सारे शॉपिंग आपके साथ शेयर करूँगी। और ये काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ही कहते होंगे इसके पास सारी पुरानी चीज़ें ही हैं। ये इसके साथ ईयरिंग्स इस तरह के हैं। अच्छा अब ये है, ये सारी मेरे पास आ जाती हैं, कैन सी दैट। ये मेरी फ्रेंड ने दी थी और ये तो खैर बहुत पुरानी है, इसके डिज़ाइन से खुद ही अंदाज़ा लगा लें, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी पुरानी है। और ये शायद कोई टॉप्स हैं, सब बहुत पुरानी है, ये आपकी नहीं है, ये काफ़ी सारी पुरानी है। बट सेम इज़ अ केस विद दिस वन, यू कैन सी इसका एक नग भी निकल चुका है लेकिन स्टिल ये मेरे पास है। और आपकी कोई चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए मेरी खाला आई थी उम्र से, उन्होंने लाई थी इस तरह के रिंग्स सिंपल से। ओके ये रह गया जो मैंने आपको नहीं दिखाया, लुक ये भी मैंने अब के नहीं लिए हुए, काफ़ी पुराने हैं। तो ये इसको मैंने काफ़ी दफ़ा पहन चुके हैं, ये भी अच्छे लगते हैं मुझे, लाइक आप इनको कहीं भी पहन के जा सकते हैं। सी ओके एंड दिस वन इज़ अगेन, ये खैर बहुत सिंपल से, लाइक आप आई डोंट नो ये आउट ऑफ फोकस आज इतना क्यों हो रहा है। खैर सो लास्ट वन, ये देखिए तो ये है मेरा लास्ट पीस जो कि आपने देख लिया। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और अगर आपको अच्छी लगी है प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, होपफुली अच्छी लगी होगी। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।